हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 16 अगस्त और 15 अगस्त का हम नहीं देख पाए क्योंकि हम गांव में नहीं आ पाए थे, परंतु 16 अगस्त की तारीख है और गांव में ये देख लो हरियाली। आप, मैं कई बार कहता हूँ ना, गांव क्यों प्रॉपर गांव है। अभी देखो ये बाजरे लगा हुआ है चारों तरफ, ये देखो। तो जब भी आते हैं 15 अगस्त के टाइम, और उधर पूरा धान जो रोपा गया था वो क्या हो गया, बढ़ गया है। वो बढ़ गए और ये देखो यहाँ पे, अगर पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे अभी 2-4 महीने पहले, और अब यहाँ पे पूरा बाजरा लग गया। मतलब ज़मीन देख रहे हो पूरी तरीके से, ज़मीन काम करती है। और मेरे साथ है आज प्रिंस और वीरू। तो चलो आज हम हरा भरा गाँव देखते हैं। आपने सूखा गाँव भी देख रखा है, जब कोई फसल नहीं उगी हुई थी, कटाई हो रखी थी पूरी तब, और अब जब पूरी हरियाली हो गई है तब। किधर से चले वीरू? इतना है कि हर जगह ही आपको एकदम हरी घास वगैरह सब दिखेगा। ये देखो गांव। एक ही गांव के दो रूप। अरे इधर से तो रास्ता बंद हो गया। नहीं, ये देखो ये क्या क्या लगा हुआ, ये चीरा नेनुआ, मतलब इसको बोलते तोरी। देखो ये इतना ना घेरा करके इसमें देखो सब्जियां उगा दी गई है। बोरो भिंडी तोरी। और यहाँ से देखते देखते हम चलते हैं थोड़ा पानी पर गए। अच्छा, ये छोटी सी जो नहर है जिसमें से पानी निकलता है, पानी है। चल चढ़ के जा सकते हैं इस पे? हाँ, देख लिया। ये भाई पोल्टेगा तो नहीं? पोल्टेगा नहीं, पोल्टेगा। और ये देखो अभी हम आ गए हैं। देखो धान जब रोपा गया था तो ये देखो, ये इतना पास पास रोपा जाता है ना, और फिर थोड़ा दूर दूर देखो उसमें बिया डाला जाता है पास पास में, फिर उसको कबार कर खेत में इतना दूर दूर रोपा जाता है। देखो आप, मतलब खेत में हम दूर जाने वाले थे, ये चीज़ दिखाने पड़े थे, कितने पास में देखे, एकदम घर के बगल में ही। ये देखो पूरा देखो आज ही के घास गड़े हुए। कहाँ पे वो एक लेडी से घास गड़े का मतलब घास काटने गई हैं। ओके, देखो दोस्तों पूरा दूर दूर तक पूरा खाली खेत है इधर भी, और उधर फिर दूसरा गांव है। कौन सा गांव है? खोपीरा गांव। देखो गांव क्या है, खाली जगह चाहिए ना, सुकून की जगह चाहिए। ऐसे देखो घर के किनारे छोटी सी ऐसे पानी, इसी जब छोटा सा कोई यहां पे खेत वेत वो कटाता है ना, मतलब सब्जी वब्जी बोने के लिए, तो पानी इसी में से निकाल लिया जाता है। ये देखो दोस्तों, आहा गांव की हरियाली। देखो यहाँ पे बाजरा लगाया हुआ है, ये देखो घर, दीवारों पे लगे हुए उपले, ये छोटा सा रास्ता, और अब हम जा रहे हैं नहर देखने जहाँ से खेत में पानी डाला जाता है। छोटे छोटे रास्तों से घास के किनारे से होते हुए नज़ारे देखते हुए और मेरे साथ जा रहे हैं मिस्टर प्रिंस और मिस्टर वीरू। ये गांव के भाई हैं अपने, मौसी के, मौसा मौसी के लड़के हैं। ये लोग घुमा रहे हैं, ये देखो, ये देखो बड़े बड़े पेड़ के कलेक्शन, वहाँ पे गाय भैंसे बंधी हुई है। इसी रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पे बकरियाँ चरा रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। व्यू देख रहे हैं, बादल भी आ रहे हैं धीरे धीरे। आई होप कि दोपहर तक बारिश हो जाए या मौसम बन जाए तो और अच्छा लगेगा। तेरा कैमरा हो, कैमरा कैमरा। ये सब तो आपको गांव में पता है, नारियल के वो गिरे रहते हैं ना सूखे गांच। ये छोटी सी भैंस और ये पतला सा रास्ता। राइट की लेफ्ट,
कल उधर से आया था ना, उधर वाली साइड से। ये देखो यहाँ पे गाय वाय के रखे रहने का जगह। बहुत पतली पतली गलियां गांव में जो कि अक्सर होती है। प्योर गांव है ना पूरा, तो इधर कोई सड़क प्योर देहात नहीं है। दाएं की बाएं? अच्छा देख लो दोस्तों इनके गांव का ना पूरे नज़ारे में रिकॉर्ड करते रहते। कौन बैठे हैं? तो गांव की गलियों से होते हुए हम लोग आ गए। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं। ये देखिए कितना छोटा सा झोपड़ी, कितना बढ़िया डिज़ाइन से ऐसे बना हुआ है। और ये पतली सी नदी रास्ता, ये हमको निकालेगा रोड पर। हेलो, हीरे फाट लग रहा है। तो ये देखो घर द्वार, हम निकलेंगे मतलब मेन रोड पे जो इस गांव का बस स्टैंड है। क्या नाम है उसका? उसको कदम बोलते हैं क्योंकि हर कदम कदम पे गाड़ी रुकती है, इसलिए इन्होंने इसका नाम कदम रख दिया है। देखो यहाँ पे लगेगा आपको पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगा बिल्कुल। देखो गांव में इस टाइप का भी नल लगा हुआ है। दोस्तों घूमते घूमते ना गांव से आ गए हम रोड पे। और देखा ना आपने मतलब सावन के महीने में ना गांव का जो नज़ारा होता है ना वो एकदम औसम होता है। देखो मेरे इधर चारों तरफ, और यही एक रोड है। ये रोड से देखो जा रहे हैं और चारों तरफ इधर हरियाली उधर हरियाली। इधर तो इसमें पानी होगा शायद ना, इसमें बरसाती पानी पूरा भरा। और ये क्या होगा भाई, क्या होता है? इसको फोकट हम बोलते हैं, फोकट का चीज़ बोलते हैं लोग। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बन गया अभी। तो ये रोड तो आपने देखा ही होगा मेरे लास्ट व्लॉग में ना, यहीं से हम गाड़ी वाड़ी पकड़ के जा रहे थे वो बिलावर का सूर्य मंदिर देखने। तो ठीक है, आप लोग कहोगे एक ही गांव की वीडियो बार बार बनाता है, पर क्या करें, इसी गांव में ही आ जाता हूँ बार बार। यहीं पे सुकून मिलता है, यहीं पे शांति मिलती है, तो घूमते फिरते इसी गांव में आ जाते हैं। वीरू कैसा लगता है तुम्हें तुम्हारा गांव? बढ़िया लगता है। अपना गांव किसको खराब लगता है? हाँ ये भी बात है कि अपना गाँव किसको ख़राब लगता है, सबको अपना गाँव बढ़िया लगता है। मुझे भी बढ़िया लगता है बहुत लोगों का गाँव। ये देखो हरा हरा पानी भरा, हरा हरा पानी नहीं इसमें काई, अच्छा काई जम गई है, सॉरी पत्ते वत्ते टूट टूट के ना ये सब गिर गए हैं। क्या प्रेम तुम बताता भी नहीं है। ये देखो प्रिंस, इसी में छठ पूजा होता है। प्रिंस बोला इसमें छठ पूजा होता है। देखिए गांव के लोग कैसे सिर्फ सर पे उठा के सामान निकल लेते हैं बिना किसी बाइक बिना के। वो देखो वहाँ कितना प्यारा लग रहा है, खेत में लोग काम कर रहे हैं। एक आंटी जा रही है बच्चे को लेके बस स्टैंड पे, और एक बाबा पेड़ के नीचे यहाँ आराम फरमा रहे। ये है गांव का सुकून। क्या वीरू, हमारे वहाँ के लोगों, हमारे वहाँ के तो साले बुड्ढे भी परेशान रहते हैं। ये देखो आप यहाँ पे कितना बड़ा पेड़ है, कितनी घनी छाया दे रहा है, इसी छाया के नीचे आराम कर किया जा सकता है। और देखो तेरी छाया पानी के नीचे पेड़ देखो कैसे आ गए, इतने प्यारे थे ना। आम का है। ये देखो मंदिर, शायद इस मंदिर का वीडियो कभी ना देखा हो आपने, परंतु आज देख लीजिए। और ये मंदिर के प्रांगण का, ये देखो इधर की हरियाली, और यहाँ पे कुआं भी है। देख रहे हो कितना हरा हरा है, अंदर भी मंदिर का बना हुआ है पूरा। ये देखो है अंदर है जाने का,
ये देखो एक कैसा गेट है, प्यारा सा। मैं गेट के अंदर गए, पानी भर गया, वो कुएं में कचरा पानी सब भर गया है। ये देखिए नल, कैसी आवाज आई, रिंगटोन बज रहा है। इधर देखो, हाँ हाँ मंदिर का एरिया है, देखो कितना प्यारा है। यहाँ पे ना एक छोटा सा मंदिर यहाँ भी बना हुआ है, ये देखो हनुमान जी हैं, इसमें हनुमान जी की मूर्ति लगी है, ये देखो। और यही मंदिर के पीछे छोटी सी नहर है, ये देखो यहाँ से मंदिर है, ये पानी की छोटी सी नहर, पीछे फिर छोटा किसी का खेत, उसके बाद खेत ही खेत। ये हमारे लाल परी दोनों के दोनों, एक वीरू परी एक प्रिंस परी। हाँ देख रहा मौसम, बादल कितने प्यारे छा रहे हैं धीरे धीरे। हे भगवान आज बारिश हो जाए, बढ़िया से मजा आएगा। और ये रोड देखो दोस्तों, ये जो रोड है ना, मैं तो गर्मी में पसीने आ गए। ये जो रोड है ना, कसम से ये रोड जो लुक देता है ना, ये वो लुक देता है जो गांव में एक्चुअल में हम ढूंढते हैं। कि जैसे हम लोग सीनरी में देखते हैं कैसे टेढ़ा सा रास्ता जा रहा है, पीछे पहाड़ है, इस गांव में पहाड़ नहीं है, पर उसके मुकाबले बड़ी अच्छी चीज़ है। भाई ये क्या है, ये भी दिखाऊँ क्या, वो नहीं दिखाऊँगा, गाँव बदनाम हो जाएगा। और इतना प्यारा रास्ता है, और इतना वो देखो एक छोटी सी गाड़ी लगी, वो ऐसा वो छोटी सी टिंगी सी गाड़ी लगी, देख रहे हो इतना प्यारा रास्ता, ऐसे जाके ऐसे बाएं तरफ मुड़ता है, इसके तरफ इधर नहर इधर खेत, जो इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ाता है। और कुछ नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ खेत है, वहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड है, एक घर जैसा देख रहे, एक वाइट गाड़ी दिख रही है। दोस्तों देखो आगे ना, हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गए, और हाँ बिहार का देखो टेम्पू या ट्रैक्टर, तो उसमें गाना हमेशा बजते हुए आता है। देख रहे हाँ, ये ऐसी तो गाने प्रमोट होते हैं क्या वीरू, ऐसी तो फेमस होते हैं गाने। देखो ये घर आ गया, ये स्टैंड आ गया, ये खेत आ गया। अब आपको एक और छोटी सी नहर दिखाते हैं जो गर्मियों में सूख जाती है, परंतु अभी पूरी गीली है। ये देखो छोटी सी गाड़ी खड़ी है, ये हमको लेके जाएगी भगवान पुल आरा। और ये देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहीं पे बैठ के आराम करते हैं, ये गाड़ी जा रही है, सवारी जा रही है। और ये रहा अपना पानी का नहर, ये देखो ये पूरा नहर खेत में से पानी जाता है, ये देखो कितना सीधा रास्ता जा रहा है। पेड़ के कलेक्शन, ये छोटा सा स्टैंड, और उधर पूरा खेत, और ये खड़ा मैं। गर्मी हो रही है बहुत, मौसम मुझे लगा थोड़ा बना होगा, ख़राब होगा, परंतु बादल आ रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत प्यारा गांव का नज़ारा आ रहा है। चले देखो स्टैंड पे रोड पूरा रेडी है, रेडी नहीं है, ख़राब है मतलब। हाँ भगवान पुल से सीधे बलिदारामपुर, भगवान पुल से सीधा बलिदारामपुर चला जी, इसे गांव ले बगी तो चाहिए तो संदेश